नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी गुफ्तगू हमारी डिस्कशन होगी हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल करने वाले साबुन के बारे में। हमारे में से हर इंसान अपना हाथ साबुन से धोता है, तो कौन सा ये साबुन होना चाहिए? क्या ये रूटीन साबुन ठीक है, या ये एंटी बैक्टीरियल साबुन हो जो बैक्टीरिया को एक्स्ट्रा मारने में हेल्प करता है? सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि रूटीन साबुन क्या होता है और एंटी बैक्टीरियल साबुन क्या होता है। रूटीन साबुन वो होते हैं जिससे हम रूटीन में हाथ धोते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे इंसेक्टिसाइड वगैरह नहीं मिले होते, जैसे हेक्साक्लोरोफिन है, ट्राइक्लोसान है वगैरह, जो हमारे रोज़मर्रा के हाथ धोने के लिए यूज़ होते हैं। और दूसरे होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया को मारने के लिए खास किस्म के केमिकल मिलाए जाते हैं। अब ये सवाल इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो रूटीन साबुन होते हैं, साबुन होता क्या है, इसमें एक हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट होता है, एक हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट होता है। हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट जो है वो सारे बैक्टीरिया वगैरह को, सारे जो अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है उनसे चिपक जाता है, और हाइड्रोफिलिक से उनको ये ब्रेक डाउन करके हमारे हाथ धोने में पानी के साथ निकाल देता है। हम ज़्यादातर यही साबुन यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे टीवी पर लगातार एडवर्टाइजमेंट आती रहती हैं एंटी बैक्टीरियल साबुन जिससे आप हाथ धोइए, जैसे कि लाइफ बॉय है, डेटॉल साबुन है। क्या इनसे हाथ धोने में हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है? ये एक सवाल है जो कि मैंने सोचा आप लोगों से डिस्कस करके बताऊं। मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम होगा कि एंटी बैक्टीरियल साबुन प्रैक्टिकल यूज़ के लिए, एक कॉमन मैन के लिए, आपके और मेरे लिए जो कि रूटीन में यूज़ करते हैं, अमेरिका में 2016 में बैन कर दिए गए थे। वहाँ रूटीन साबुन ही यूज़ किए जाते हैं और एंटी बैक्टीरियल साबुन केवल हॉस्पिटल सेटिंग में डॉक्टर्स के लिए, मरीजों को ठीक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इवन वहाँ पर लाइफ बॉय वगैरह साबुन यूज़ नहीं होते, और केवल जानवरों को कुछ खास किस्म के ये नहाने के उनके लिए इस्तेमाल होता है। बट इंडिया में अभी सूचना का अभाव है और लगातार टीवी पर ऐड आती रहती है कि आप एंटी बैक्टीरियल साबुन यूज़ करो। अब एंटी बैक्टीरियल साबुन यूज़ करने के नुकसान क्या हैं? सबसे पहले तो वो नुकसान हम लेते हैं जो आपको अपने लिए है, फिर हम बात करेंगे जो समाज के लिए है। हमारे शरीर में, हर इंसान में जो है, एक काफ़ी मात्रा बैक्टीरिया की होती है। जैसे एक पर्सन का वज़न अगर 80 किलो है तो 4 से 5 किलो उसकी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। हमारे आँख में, नाक में, मुंह में, एनस में, लेडीज़ के वेजाइना में, कान के अंदर, हर ओपनिंग में बैक्टीरिया हैं, और ये बैक्टीरिया हमारे लिए प्रोटेक्टिव हैं, और इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ये बैक्टीरिया हमसे जीते हैं, हम इनसे जीते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि आपने बैक्टीरिया को पाल रखा है, तो कोई बड़ी बात नहीं किसी बैक्टीरिया के दिमाग में आए कि इस इंसान को मैंने अपने चारों तरफ घेर रखा है, क्योंकि बैक्टीरिया का भी अपना दिमाग होता है। वो हमारी तरह सर्केडियन रिदम से उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, और हमारा शरीर बना ही बैक्टीरिया के साथ हुआ है। तो अगर आप एंटी बैक्टीरियल साबुन इस्तेमाल करेंगे तो आप वो वाले बैक्टीरिया जो अच्छे हैं आपकी बॉडी के लिए, उनको भी ख़त्म कर देते हैं, और फिर नए बैक्टीरिया आते हैं। और ये वाले बैक्टीरिया जनरली वो आते हैं जो एंटी बैक्टीरियल से रेजिस्टेंट होते हैं। तो आपके शरीर में ऐसे बैक्टीरिया आ जा सकते हैं जो कि आपके शरीर के में रेजिस्टेंस पैदा करें किसी भी इन्फेक्शन के लिए, और आपके नॉर्मल कमेंसल ना होकर, कमेंसल का मतलब वो होता है जो आपकी बॉडी में रहते हैं, जो आपकी बॉडी को नुकसान करें। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है। नंबर दो ये है कि जनरली एंटी बैक्टीरियल साबुनों में ट्राइक्लोसान नाम का एक केमिकल यूज़ होता है। अमेरिका ने 2016 में 19 किस्म के ये केमिकल्स जो थे वो बैन किए थे कॉमन डोमेस्टिक यूज़ ऑफ साबुनों में। ट्राइक्लोसान देखा गया है कि हमारे स्किन से एब्जॉर्ब हो सकता है, ये इम्यून रिएक्शन ला सकता है, ये एटलीस्ट जानवरों में स्टडीज़ में पाया गया है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को असर कर सकता है, और इंसान में ऐसी कोई स्टडी होना आसान भी नहीं है और हुई भी नहीं हुई। तो ये तो हुआ इनका नुकसान हम इंसानों के लिए। नंबर दो, सोसाइटी के लिए। अगर आप अच्छे बैक्टीरिया को मारेंगे
और गंदे बैक्टीरिया के साथ साथ, तो जो नए बैक्टीरिया आएंगे वो अच्छे नहीं होंगे और समाज में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होती जाएगी। आप इस तरीके से सोचिए कि आप एक घर में रहते हैं और आपके आसपास कई लोग रहते हैं, उनमें से 90% अच्छे हैं, 10% ख़राब हैं। आप कोई ऐसा सिस्टम से सबको मार दें तो क्या गारंटी है कि जो नए लोग आएंगे वो अच्छे आएंगे? वो तो ज़्यादा ख़राब आ सकते हैं और ये इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा। तो इसलिए ये बात बड़ी समझनी ज़रूरी है कि आप जो हैं अपने हाथ रूटीन साबुन से धोएं। और स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो लोग रूटीन साबुन से हाथ धोते हैं और जो लोग एंटीबैक्टीरियल साबुनों से हाथ धोते हैं, उनमें इन्फेक्शन होने का चांस ऑलमोस्ट बराबर होता है। और ऐसा नहीं होता कि आप एंटीबैक्टीरियल साबुन यूज़ करके कुछ ज़्यादा एडवांटेज ले पाए। अनफॉर्चुनेटली ये बात लिटरेचर में तो है, लेकिन हम लोग ये आपस में डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम लोगों को इसकी नॉलेज नहीं दी जाती, क्योंकि ये दुनिया एक कमर्शियल में चेंज हो चुकी है और इसमें कॉमर्स का एक बड़ा मेजर फैक्टर हो गया। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर कोई डिस्कस ही नहीं करता कि WHO ने कहा है कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करोगे तो आपको कैंसर का, मोटापे का, BP का चांस, शुगर का बढ़ जाएगा और आपको कोई एडवांटेज नहीं होगा और आपका वेट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन WHO जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कहने के बाद भी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होती। तो मैं इस तरीके के वीडियो बनाता रहूँगा जिससे समाज में जागरूकता फैले। मैं जो कुछ आपको बताता हूँ अब मेरे इस वीडियो के बाद गूगल सर्च में जाकर सब देखकर चेक कर सकते हैं कि अमेरिका ने एंटीबैक्टीरियल साबुन बैन किए थे, लाइफबॉय जो है वो अभी केवल जानवरों को धोने के लिए यूज़ किया जाता है, बाहर डिटॉल साबुन का यूज़ भी नहीं किया जाता, हाथ धोने के लिए रूटीन साबुनों का यूज़ किया जाता है। ये संक्षेप में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस तरह के अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। अगर आपको मेरे इन अपडेट से कुछ फ़ायदा होता है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और एटलीस्ट उन लोगों में जो इस तरह की जागरूकता चाहते हैं ये शेयर कर दीजिए। आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं क्योंकि उससे हौसला बनता है कि लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे को लाइक कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप मैसेज में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक इंटरेक्टिव कम्युनिटी बने जो हम आपस में सारी ये चीज़ डिस्कस करते रहें और मैं आपसे सीखूँ। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।